नागपुर शहर में शव मिलने का सिलसिला जारी है। अभी तहसील थाना क्षेत्र परिसर में गाड़ी की डिक्की में मिला शव मामले की गुत्थी सुलझी थी तो लकड़गंज थाना क्षेत्र में एक शव मिला है। लकड़गंज थाना क्षेत्र के नेहरू पुतला परिसर में नीलेश पटेल की इमारत है, इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में शव बरामद हुआ है। ये पूरा परिसर अनाज बाजार के नाम से पहचाना जाता है। शुक्रवार की सुबह जब यहाँ के व्यापारी अपनी दुकान खोलने आए तो उन्हें परिसर में दुर्गंध आने लगी। जब नारायण निखारे नामक व्यक्ति बिल्डिंग के बेसमेंट में गया तो उसे शव दिखाई दिया। तुरंत ही परिसर के लोगों ने लकड़गंज पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही लकड़गंज पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची। घटना स्थल का पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस व्यक्ति की मौत 3 से 4 दिन पहले हुई है। अभी तक मृतक व्यक्ति का नाम नहीं पता चला है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। हमें दुकान लावाले आलो सकाळ 8:30 मग ये सगळे बाजारवाले पावाले मले जा मने का पडला काय नाही कुत्रा पडला का माजर पडली आहे म्हणून तिथं पाहुणे आहे मने तर मग मी खालतं गेलो। मी तळगडच्या खालतं एकदम तर त्या टाकेच्या बाजू मने आहे ना ते मला दुरून पारीवरून ते बॉडी दिसली मला त्या प्रिमायसेसमध्ये अंडर कन्स्ट्रक्शन इमारतीमध्ये बेसमेंटमध्ये एक डिकम्पोज डेड बॉडी पडलेली मिळून आली। प्राथमिकदृष्ट्या ती बघितली असता कोणती जखम वगैरे दिसून येत नाही, तरी पण पुढील तपासाअंती काय नेमकं कशामुळे मृत्यू झाला हे कळून येईल। ती 3 ते 5 दिवसाच्या पूर्वीची असू शकते। त्याच्याजवळ काही संशयित कपडे त्याचे स्वतःचे कपड्याचं गाठोडं आणि पैसे मिळाले, त्यावरून तो भिकारी असावा असा प्राथमिक अंदाज आहे। त्या दृष्टीने तपास सुरू आहे।